वीडियो देखने वालों, आपका भाई आपके लिए ऐसी जगह लेके आया है जहां आप सुबह भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं और शाम को भी खा सकते हैं। मैं इस वक्त हूं नॉर्थ दिल्ली के शालीमार बाग में। कहां आया हूं? चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। मेरे पीछे आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट साइन बोर्ड दिख गया होगा जिसके ऊपर लिखा है स्ट्रीट फ्लेवर्स। जी हाँ, ये एक टेक अवे काइंड ऑफ आउटलेट है। बाहर दो चार टेबल लगे हैं, चेयर्स लगी हैं जिन पे आप बैठ के खाना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ क्या क्या मिलता है वो दिखाता हूँ, उससे पहले आपको यहाँ की लोकेशन समझाता हूँ। मैं इस वक्त हूँ बीएन मार्केट शालीमार बाग में। मेरे सामने स्ट्रीट फ्लेवर्स है और यहाँ का लैंडमार्क आप गूगल मैप फॉलो करके बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। इस मार्केट में आएंगे तो आपको ये अटल जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहाँ पे मूर्ति मिल जाएगी। बराबर में आपको तिरंगा मिल जाएगा, बिल्कुल तिरंगे के बराबर में स्ट्रीट फ्लेवर्स। पेश है इनका मेन्यू यहाँ पर छोले भटूरे, जो सुबह 8:30 बजे से मिलने शुरू हो जाते हैं। देसी घी के छोले चावल मिलते हैं, कुल्लड़ लस्सी मिलती है। शाम के समय, शाम को 5:30 बजे पाव भाजी और वड़ा पाव मिलता है। तो मैंने बोला था ना वीडियो के शुरू में, सुबह खा लो छोले भटूरे, दोपहर को खाओ छोले चावल, शाम को पाव भाजी और वड़ा पाव। तो लीजिए हमारे लिए यहाँ पे भटूरे सबसे पहले तैयार होते हुए, हल्की सी इसमें पनीर और धनिया की स्टफिंग की है, हल्का सा बिल्कुल लगाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टफिंग नहीं की जा रही, बिल्कुल हल्की सी। तो लीजिए गोले तैयार हैं, जैसे दिल लो, बढ़िया बनना चाहिए गुब्बारे की तरह बस। ये थापियों की आवाज भूख भड़काने के लिए काफी है। वाह, हमारे लिए तो भैया करारा लाल कर देना एकदम, ठीक है जी। तो लीजिए गुब्बारे की तरह ये फूलना शुरू हो गया है, करारा लाल करवाएंगे हम, मुझे तो करारे पसंद है। और ये फ्राई रिफाइंड में हो रहा है, जो इसकी जो प्रिपेशन है फ्राई की भटूरे की, ये रिफाइंड ऑयल में है। वाह, लीजिए रंग रूप देखिए, जैसा मुझे पसंद है बिल्कुल वैसा ऑलमोस्ट हो गया है। तो लीजिए आप इनके छोलों का रंग रूप देखिए, आपको क्लोजअप दिखाते हैं इनका टेक्सचर, आप इनकी प्रिपेशन देखिए, छोलों का रूप रंग देखिए, महक बड़ी प्यारी आ रही है। वाह जी वाह, देखने में बहुत लजीज लग रहे हैं। तो लीजिए छोले भटूरे हमारी टेबल पे सर्व हैं और ये देखिए इनकी निकल गई हवा। तो जब तक हमने शूट किया तब तक इनकी हवा निकल गई, लेकिन ये गुब्बारे की तरह फूले हुए थे। तो आपको दिखाते हैं, प्लेट देखिए कितनी बढ़िया सजी हुई है। ये देखिए दो भटूरे हैं जिसके अंदर पनीर की हल्की हल्की सी बस स्टफिंग है, बिल्कुल बस जैसे होता ना टेस्ट देने के लिए हल्का हल्का पनीर लगा हुआ है। छोले का रंग रूप देखिए, आलू सजे हुए हैं, अचार है जिसमें आंवले का, गाजर का, हरी मिर्च का है, चटनी है और प्याज है। इसकी कीमत है 110 रुपये। जो भटूरे हैं ये रिफाइंड में फ्राई हुए हैं, जो छोले तैयार हैं वो देसी घी में हैं। तो एक बढ़िया सी बाइट लेते हैं, और दिल्ली का मौसम भी ऐसा है कि फ्राई खाने का बड़ा मज़ा आता है, और छोले भटूरे मिल जाएं बढ़िया है। ये देखिए आपको टेक्सचर दिखाता हूँ छोलों का, ये देखिए काफ़ी अलग हैं, जो दिल्ली स्ट्रीट फूड में मिलते हैं उससे काफ़ी अलग है। आलू लगा लेते हैं थोड़ा सा, मैं तो अपनी बाइट वही वाली बनाऊंगा। अगर आपने मेरे छोले भटूरों के वीडियो देखे होंगे, अचार लगा लिया, थोड़ा सा लगा लिया चटनी प्याज, और ये हमारी बाइट हो गई है तैयार। चीयर्स।
फर्स्ट इम्प्रेशन, जैसे ही ज़ुबान पे आपके छोले लगेंगे, आपको एक फील आएगी कि ये कॉमन छोले नहीं हैं जो दिल्ली स्ट्रीट फूड में छोले भटूरे मिल रहे हैं, वैसे ये कॉमन नहीं है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं टेस्ट वाइज, इसमें पिंडी स्टाइल तरीका भी है, जैसे वो हल्दीराम के होते हैं छोले, वो वाला भी है। दिस इज, और जो दिल्ली स्ट्रीट फूड स्टाइल के स्ट्रीट फूड स्टाइल छोले होते हैं, वो तीनों का मिश्रण है इन छोलों में। यही चीज़ है जो इसको यूनिक बनाता है। मसाले बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, लेकिन मिर्च है, फ्लेवरफुल है। भटूरे के साथ लगा के खाएंगे तो मेरी तो मैं ये कहूँगा कि मैं टेस्ट के मामले में ये कहूँगा कि ये दिल्ली के जो नामी गिनामी छोले भटूरे वाले हैं ना, उनको ये टक्कर दे सकता है। आप जब यहाँ आएँ खाएँ तो मुझे ये लगता है आप ये खा के डिसअपॉइंट होने वाले नहीं हैं। तो लीजिए, छोले चावल कुल्लड़ में सर्व किए गए हैं और आप इसकी रंग रूप देखिए। ये देखिए बढ़िया से ऊपर अचार चटनी प्याज सजा के कुल्लड़ में, 80 रुपये इसकी कीमत है। और एक चीज़ और बताता हूँ, छोले सेम है जो भटूरों के साथ सर्व किए गए थे, और जो इनके छोले हैं वो बिना अनियन और गार्लिक की प्रिपरेशन है। 80 रुपये इस कुल्लड़ की कीमत है। टेस्ट करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि छोले चावल चटनी का बढ़िया से टेस्ट आ जाए। तो लीजिए, वाह, देखिए जो इन छोले चावलों को स्पेशल बना रहा है वो इनकी छोलों की प्रिपरेशन बना रही है। ये छोले इतने लाजवाब है, भटूरों के साथ तो स्वाद है ही है, इसको अगर आप छोलों को घर ले जाएं पराठे के साथ खाएं तब भी स्वाद रहेगा, चावलों के साथ भी सही कॉम्प्लीमेंट है। मेरी तरफ से इसको भी सुपर थम्स। तो लीजिए, यहाँ पर हमारे लिए वड़ा फ्राई होते हुए और आलू की हमने आपको भी गोले बनते दिखाए थे। और ये भी रिफाइंड में प्रिपरेशन है इनकी। तो लीजिए, आप तरीका देखिए, तो ये किस चीज़ की रहती है, ये जो आपने डाला है बटर के ऊपर, गार्लिक, गार्लिक का। तो देखिए, ये बन को ऐसे एक गार्लिक की पेस्ट थी, बटर था, धनिया सा डाला, और ये सर्व करने का तरीका देखिए। और बराबर में आप तवा देखिए, इस वक्त भाजी तैयार हो रही है। ये देखिए बटर वगैरह डाल के, और आपको टेक्सचर से पता लग रहा होगा कि ये जो भाजी तैयार हो रही है इसमें कोई रंग नहीं डाला गया, नेचुरल कलर है आप देखिए भाजी का। और लीजिए, ये सेकते हुए हमारे लिए पाव। ये देखिए बढ़िया से मसाला कह लीजिए एकदम रच गया है बन के अंदर। और लीजिए, चॉकलेट सजा दी गई है, मैं इसको चॉकलेट कहता हूँ। तो पेश है दिल्ली वाला वड़ा पाव, और मेरा कोई महाराष्ट्र का मुंबई का दोस्त गाली नहीं देगा कमेंट्स में इसका रेट जान के, क्योंकि दिल्ली में ये आपके शहर के मुकाबले महंगा ही मिलता है। कैमरा क्लोज लाइए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये दो वड़ा पाव की कीमत 70 रुपये है, और अगर आप सिंगल लेंगे तो 40 रुपये। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। तो पहले मैं ये चॉकलेट निकाल लूँ अपनी, मैं इसको चॉकलेट ही कहता हूँ, हरी मिर्च को इसके बिना ट्राई करेंगे क्योंकि रिस्क नहीं लेना। आहा, देखिए जो जैसी मेरे हाथ में आया, जो इनका पाव है बहुत
नाजुक सॉफ्ट है, और जो इनके अंदर ये इन्होंने वड़ा है ये भी बहुत नाजुक है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्प है लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसको ट्राई करते हैं बिना चटनी के, एक बड़ी सी बाइट लूंगा कि सारे फ्लेवर्स आ जाए। मैंने कभी मुंबई का ऑथेंटिक वड़ा पाव नहीं खाया। मैं मुंबई आ रहा हूँ और वहाँ का जो सबसे फेमस वड़ा पाव वाला है, सबसे बेस्ट वड़ा पाव वाला है, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगले हफ्ते मैं मुंबई में हूँ और ये मैं वहाँ पर 100% खाऊँगा ताकि मुझे पता लगे कि ऑथेंटिक वड़ा पाव कैसा होता है। अगर मैं वैसे ऐसे दिल्ली पर्सन इसको कहूँ तो ये बहुत स्वाद है, मेरी तरफ से सुपर हिट है। मक्खन उधर से ले लो। तो मेरे हाथ में इस वक्त पाव भाजी की प्लेट है जिसकी कीमत है 110 रुपये। एक्चुअली क्या है, ये प्लेट इतनी बड़ी है इसलिए आपको पाव छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये पाव का साइज वही है जो हमें वड़ा पाव में दिए गए थे। पाव भाजी 110 रुपये की है ये प्लेट। ये भाजी है, ये देखिए, मैंने आपको तवा देख के भी बताया था। देखिए इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डाला गया, बड़ा नेचुरल सा है इसका कलर आ रहा है। बन वही है जो वड़ा पाव के लिए यूज़ किए गए थे, सॉफ्ट से, और उसमें जो इनकी गार्लिक एक ग्रेवी सी है उसमें इसको तवे के ऊपर तैयार कर दिया गया है। चलिए इसका टेस्ट देखते हैं। नींबू मैंने निचोड़ लिया है, बटर इसमें डला हुआ है। Cheers. देखिए जो साथ में चटनी प्याज दी गई है वो हल्का सा लगा लीजिए क्योंकि बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करेगी। भाजी स्वाद है, जो एक मुझे इसमें कमी पेशी लग रही है, मुझे थोड़ी सी इसकी जो ग्रेवी है पतली लग रही है थोड़ी सी, जो मैं जो जनरली दिल्ली स्ट्रीट फूड स्टाइल में खाता हूँ, काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी खाता हूँ, और उसमें मुझे वेजीज वगैरह आलू वगैरह दिखते हैं, इसमें काफ़ी है ना, ये ग्रेवी स्टाइल है। स्वाद अच्छा है, जो कमी है वो मैंने आपको बता दी है कि ग्रेवी ग्रेवी ज़्यादा लग रही है, गाढ़ी नहीं है। टेस्ट वाइज परफेक्ट है। चलते चलते मैं यही बोलूंगा कि किसी जगह की बहुत ज़्यादा तारीफ कर दो ना तो सामने लोग कहने लग जाते हैं कि यहाँ से पैसे लिए होंगे इसलिए तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, हम वेस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में भटूरे छोले ये और ये वड़ा पाव वगैरह बहुत बार खा चुके हैं। अगर मैं इन दो एरिया से इस जगह को कंपेयर करूँ नॉर्थ दिल्ली के, तो बिल्कुल टक्कर की चीज़ दे रहे हैं। टक्कर के छोले भटूरे मिल रहे हैं यहाँ पर, टक्कर का वड़ा पाव मिल रहा है। मैं ये कहूँगा यहाँ आएँ तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। नॉर्थ दिल्ली में आपको वेस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली जैसा स्वाद मिलेगा, मज़ा आ जाएगा, पैसे वसूल है, मेरी तरफ से थम्स अप है।